मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 6 ब्रेड, और यहाँ पे लिया है हमने 1 कटोरी बेसन, यहाँ पे लिया है मैंने 3 आलू, आलू थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया है, और यहाँ पे लिया है हमने मसाले, यहाँ पे लिया है मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे लिया है मैंने 3 हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक काट ली है, और यहाँ पे लिया है हमने धनिया पाउडर थोड़ा सा, और यहाँ पे लिया है मैंने ये लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डालनी है उसमें, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा लिया है, और ये लिया है हमने नमक, अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। तो आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा धनिया, और ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए, हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बना लिया है, मसाले को तैयार कर लिया है। हम इसका बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने 1 कटोरी बेसन लिया था, हम इसको डाल देंगे इसमें। थोड़ा डालेंगे हम इसमें हल्दी, थोड़ा सा लूँगी मैं यहाँ पे हल्दी, ठीक है, ये मैं डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, और यहाँ पे डालूँगी मैं ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने पहले भी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर लिया है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा लेंगे, और थोड़ा लूंगी मैं यहाँ पे धनिया पाउडर। हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमने इसे मैश करना है, नहीं तो इसमें गाँठें पड़ जाएंगे। थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे हम। तैयार कर लिया है, अच्छे से तैयार हो चुका है ये। अब हम ब्रेड के अंदर मसाले को इसको इसके अंदर अच्छे से यहाँ पे भर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे करके कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कट कर लिया है, तो इस तरीके से कट हो गया है। सारे ब्रेड हम इसी तरह से कट कर लेंगे।
से कट कर लिए हैं, ये देखिए। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब इसमें डालेंगे हम तेल। हमने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड पकौड़े के लिए तेल अच्छे से चाहिए होगा हमें। हमारी हरी चटनी की तैयारी हो रही है, तो हम मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं, हाथ से पीसेंगे इस पर सिलबट्टे पे, क्योंकि सिलबट्टे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो हम इस पे को सिलबट्टे पे ही पीसेंगे, चाहे तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं। ये देखिए हरी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेड पकौड़ों को ऐसे ही तल लेंगे हम। अच्छे से पकाना है ताकि मसाला अंदर का जो कच्चा बनना रहे। हमारे ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे ये हरी धनिया की चटनी बनाई थी, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं दिखाई, थोड़ा सा दिखाया था मैंने। तो ये देखिए हमारी हरी चटनी, और ये देखिए ब्रेड पकोड़े, ये देखिए, ये देखिए। आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ओके दोस्तों, बाय बाय।